जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ इस पूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे शीतल चालीसा का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शीतला माता की, और शीतला माता पर ही शीतला चालीसा लिखी गई है। और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि आज से बहुत साल पहले इस पूरे विश्व में चेचक की बीमारी फैलती थी, और चेचक की बीमारी से बहुत सारे बच्चों या बहुत सारे बच्चे को या बच्चों को मृत्यु की प्राप्ति होती थी। और ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को कभी ना कभी ये बीमारी चेचक की होती थी। आज के समय में मेडिकल साइंस के अनुसार चेचक का रोग अब इस पृथ्वी पर नहीं है, पर अब भी देखिए जिसको हम बड़ी माता कहते हैं या चिकन पॉक्स कहते हैं वो भी निकलता है अभी भी, पर वो दाने बड़े होते हैं। और जो चेचक था वो छोटे दाने थे, और उससे क्या होता था कि बहुत सारे बच्चों के प्राण निकल जाते थे, और जो भी बच्चे बचते थे उनके जहाँ जहाँ वो दाने निकलते थे वहाँ गड्ढे पड़ जाते थे। तो जो शीतला चालीसा है ये इसीलिए लिखी गई है कि अगर कभी आपके घर में अगर ऐसे लाल दाने उत्पन्न हो किसी व्यक्ति पर या बच्चों पर, तो उस समय आप ये चालीसा पढ़िए। और देखिए बहुत ही लाभ होगा आपको इस चालीसा पढ़ने का कि जल्दी से वो लाल दाने ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं क्या लिखा है शीतला चालीसा में। तो शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय शीतला मैया की जय। देखिए लिखते हैं यहाँ पर जय जय माता शीतला, मतलब जय हो शीतला मैया की। तुम ही धरे जो ध्यान, मतलब मैया आप ही को ध्यान धरना है, मतलब रखना है हम लोगों का। होए विमल शीतल हृदय, कहते हैं होए विमल। देखिए विमल का मतलब होता है शुद्ध। तो हमारा जो होए विमल शीतल हृदय, हमारा हृदय शुद्ध हो, और शीतल मतलब ठंडा हो, और विकसय बुद्धि बलवान और ये बल ज्ञान, और हम विकसय मतलब विकसित हो, और विकसित क्या हो, बल हो, बुद्धि हो और ज्ञान हो। घट घट वासी शीतला, घट घट मतलब होता है कणकण में, वासी मतलब वास करने वाली। तो हे मैया आप तो कणकण में वास करने वाली हैं, शीतल प्रभा तुम्हारा। और शीतल तो स्पष्ट है जो ठंडा होता है, और प्रभा का मतलब होता है रोशनी, या जो किरणों से रोशनी बनती है उसे हम प्रभा कहते हैं। तो कहते हैं जो आप में जो शीतलता है, तो शीतलता एक ऐसी ठंडक है जिसमें से रोशनी निकलती है। और शीतल छैया में झुलाई, तो कहते हैं हे माता मुझे आप अपनी शीतल छाँव में झुलाइए। मैया पालन डार, और मैं चूँकि आपका बेटा या बेटी हूँ तो मुझे पालने में डालकर माँ आप झुलाइए। इसका मतलब ये होता है कि माँ अपनी कृपा आप हमेशा मुझ पर बनाए रखिए। आगे देखिए लिखते हैं चौपाई में जय 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 शीतला भवानी, कहते हैं जय हो शीतला भवानी, मतलब शीतला माता। जय 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 जग जननी सकल गुणखानी, और जय जग जननी और मतलब हे जगत की माँ। सकल मतलब सब। गुणखानी मतलब आप गुणों की खान है माँ। ग्रह ग्रह में शक्ति तुम्हारी राजित, ग्रह ग्रह मतलब घर घर में आपकी शक्ति राजित मतलब राज करती है। तो घर घर में माँ आपकी शक्ति राज करती है। और पूर्ण शरद चंद्र समसाजित, और पूर्ण मतलब जो पूरा शरद ऋतु का चंद्रमा जैसी माँ आप सजी हुई हैं। इसका मत तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि माँ को यहाँ पर
मतलब माँ को कंपेयर किया गया है उस पूर्णमासी के चांद से जो जो शरद ऋतु में निकलता है। और विस्फोटक से जलज शरीरा, देखिए यहाँ विस्फोटक वही दाने निकलते थे चेचक के जो पहले, जिसको विस्फोटक कहा गया है, और उससे बड़ा शरीर जलता था। इसीलिए यहाँ लिखा है रचयिता ने कि विस्फोटक से जलज शरीरा और शीतल करत हरत सपीरा। तो मैया जो हैं, जे जिसको भी ये चेचक हो जाता था, तो मैया जो हैं और उसकी बड़ी पीड़ा होती थी, तो माँ उसको शीतलता देती थी और उसका और उसकी पीड़ा हरती थी। मातु शीतला तब शुभ नामा, मातु मतलब हे माता शीतला, आपका तो बड़ा शुभ नाम है कि आपका ऐसा नाम है माँ शुभ है कि उसको लेते ही सब दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। और सबके गाढ़े आवही कामा, मतलब गाढ़े मतलब परेशानी में, और जब सबको परेशानी होती है तो आवही मतलब आप ही काम आती हैं माँ, और कोई काम नहीं आता है। शोक हरी शंकरी भवानी, आप शोक को हरने वाली हैं, और शंकरी मतलब कि आप शंकर जी की पत्नी हैं। भवानी देखिए जितनी भी माँ हैं सब पार्वती माँ का रूप है, इसलिए यहाँ लिखा है शोक हरी शंकरी भवानी बाल प्राण रक्षा, बाल प्राण रक्षी सुखदानी, और आप बच्चों की प्राण की रक्षा करती है, और सुखदानी मतलब सुख को देने वाली हैं। और शुचि, और लिखा है शुचि मार्जर, शुचि मार्जनी, शुचि मार्जनी कलश कर राज है। देखिए शुचि का मतलब होता है पवित्र, मार्जनी का मतलब होता है झाड़ू, और कलश का कलश तो जाते ही है, और कर मतलब हाथ में। तो मैया आप मतलब आप बहुत पवित्र हैं माँ, और आपके हाथ में झाड़ू है और कलश है, और मस्तक तेज सूर समराज है, और मस्तक भी इतना तेज है कि लगता है सूर्य जो है वो आपके मस्तक पे राज करते हैं। और 64 योगित योगिन संग में गावे, और जब आप चलती हैं माँ तो 64 योगिनी जो होती हैं आपके संग में गाना गाती हैं, और वीणा ताल मृदंग बजावे, और जो 64 योगिनी होती है वो वीणा ताल और मृदंग बजाती हैं। नृत्यनाथ भैरव दिखरावे, और आपका जो आपके साथ जो भैरव बाबा चलते हैं या भैरव चलते हैं, और वो भी अपना नृत्य करते हुए चलते हैं। और सहज शेष शिव पार न पावे, और सहज मतलब मतलब आराम से शेषनाग या भगवान शिव भी आपकी महिमा से पार नहीं पा पाते, मतलब आपकी महिमा उनसे ज़्यादा है। धन धन धात्री महारानी, धन हो धात्री का मतलब होता है माँ, हे धन हो माँ महारानी सुर नर मुनि तब सुयश बखानी, और चाहे सुर मतलब चाहे देवता हो चाहे मुनि हो और चाहे नर हो तब सुयश, और आपका यश हर कोई बखान करता है, हर कोई आपका गुणगान यश का गुणगान करता है। और ज्वाला रूप महाबल बलकारी, और ज्वाला रूप में आप बहुत ही बलशाली हैं माँ, दैत्य एक विस्फोटक भारी, और दैत्य को तो एक विस्फोट से ही माँ मार देती हैं आप में इतनी ताकत है माँ। आगे लिखते हैं घर घर प्रविशत कोई न रक्षत, और आगे यहाँ लिखते हैं रचयिता कि जब घर घर प्रविशत मतलब घर घर में जब प्रवेश करती हैं माँ तो कोई न रक्षत, तो कोई भी रक्षा आपके बिना नहीं कर सकता है। और रोग रूप धरी बालक भक्षत, और आप जिस बालक को आप पकड़ती हैं उसको आप पूरा रोग से धर लेती हैं मैया। हाहाकार मच्यो जगधा जग भारी, और इससे क्या होता है पूरे जग में हाहाकार मच जाता है। और सक्यो न जब संकट भारी, और कहते हैं कि आपके बिना संकट कोई हर सकता नहीं है। तब मैया धरी अद्भुत रूपा, इसका मतलब होता है देखिए माँ जो हैं ये पहले आती हैं घर में, और फिर जो बालक होता है उसको पकड़ लेती हैं, उसको बीमारी देती हैं, और जब कोई उनका नाम जपता है तब मैया धरी अद्भुत रूपा, तब मैया अपना एक अद्भुत रूप धर लेती हैं। और कर में लिए मार्जनी सूपा, कर मतलब हाथ में, मार्जनी मतलब झाड़ू, और सूपा मतलब सूप, तो माँ के हाथ में झाड़ू और सूप है। और विस्फोट ही पकड़ा ही कर लीनो, और जो विस्फोटक मतलब जो लाल लाल दाने हैं जो बहुत दर्द करते हैं उसे विस्फोटक कहा गया है, तो माँ विस्फोटक पकड़ लेती हैं। और मूसल प्रहार बहुविधि कीनो, और उस पर खूब सारे मूसल मारती हैं, जैसे वो ख़त्म हो जाए फिर माँ उसको झाड़ू से सूप में इकट्ठा करके ले जाती हैं। आगे कहते हैं कि बहुत प्रकार यह विनती कीना, कहते हैं कि बहुत प्रकार हमने विनती करी माँ से, मैया नहीं
मैया नहीं भल मुँह के चीना, मतलब मैया के अलावा कोई भी मतलब कोई भी चीज बीमारी नहीं हट सकता है। अब नहीं माता काहू ग्रह जइयो, तो कहते माँ अब तुम किसी घर मत जाओ, और जहाँ अपवित्र सकल दुख हरिए, और पर जहाँ अपवित्र हो वहाँ और जहाँ भी परेशानी हो माँ वहीं जाके आप सकल मतलब सब दुख हर लीजिए माँ। फिर कहते हैं भवकत तन शीतल है जवो, मतलब भवकत तन मतलब जो दाने होते हैं उससे पूरा शरीर जलता रहता है, इसीलिए लिखा है भवकत, भवकत मतलब जलना, तो जो दानों से जो शरीर जलता है शीतल हवे जाइए, तो जैसे ही माँ की कृपा होती है वो पूरा शरीर शीतल या ठंडा हो जाता है। और विस्फोटक घनघोर नशाइए, मतलब जो विस्फोटक जो घनघोर परेशानी करते हैं वो सब नशाई मतलब वो सब खत्म हो जाते हैं माँ की कृपा से। श्री शीतल ही भजे कल्याणा, और आप श्री शीतला माँ को भजिए तो आपका कल्याण होगा। और वचन सत्य भापे भगवाना, और कहते हैं कि और यहाँ कहते हैं वचन सत्य भापे भगवान, और आप जो है अगर सत्य वचन कहते हैं तो भगवान आपकी हमेशा सहायता करता है। फिर कहते हैं कि विस्फोटक भय जी ग्रह जाई, और विस्फोटक जो है जो दाने हैं या जो बीमारी है जिस भी ग्रह जाती है, ग्रह मतलब घर जाती है। और भजय देव, और भजय देव कहा यही उपाय, और देव ही को भजो, भजय देवी मतलब माँ को भजो, मतलब शीतला माँ को भजिए, उनकी चालसा कहिए, और बस यही उपाय है। फिर कहते हैं कलश शीतला का सजवावे, और जब भी बीमारी घर में आपके ऐसी आती है तो आप शीतला माँ का एक कलश रख लीजिए शीतला माँ के नाम पे, और द्विज से विधिवत पाठ करावे, द्विज मतलब और किसी पंडित से आप पाठ करवाइए शीतला माँ का। और तुम ही शीतला जग की माता, और ये शीतला मैया आप ही जग की माता हैं, और तुम ही पिता जग की सुखदाता, आप ही पिता हैं और जग की सुखदाता मतलब आप ही जग को सुख देने वाली हैं मैया। नमो सुख करणी दुख हरणी, नमो मतलब जय हो माँ, और सुख करणी मतलब सुख देने वाली, और दुख करणी मतलब दुख हरने वाली। तो यहाँ लिखा है कि नमो सुख करणी दुख हरणी, नमो नमो जग तारणी तरणी, नमो नमो मतलब जय हो माँ, और लिखा है कि जग तारणी मतलब कि जगत को तारने वाली हैं, और तरणी तरणी मतलब कि अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो अगर माँ खुश हो गई तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, इसी बोलते हैं तरना। फिर कहते हैं नमो नमो त्रैलोक वंदनी, नमो नमो मतलब जय हो त्रैलोक मतलब तीनों लोकों, वंदनी मतलब तीनों लोकों में माँ की वंदना होती है, माँ की पूजा होती है। और कहते हैं कि दुख दारिद्रिक निकंदनी, मतलब कि अगर आप पूजा करते हैं माँ की तो आपके दुख हैं और दरिद्र अगर आप हैं निकंदनी तो वो सब खत्म हो जाएंगे, उसका नाश हो जाएगा। फिर कहते हैं श्री शीतला शेरला महला, देखिए सब माँ के नाम है, कहते हैं शीतला माँ शेरला महला, और फिर लिखा है कि रुणली छिड़ी मातु मंदना, और कहते हैं माँ सब माँ के नाम है जो लिखे गए हैं, हो तुम दिगंबर तनुधारी, कहते हैं माँ आप तनुधारी हैं मतलब आपका भी तन है, और शोभित पंचनाम असवारी, और आपने जो कपड़े पहने हैं उस पर पाँच नाम हैं। असवारी का मतलब होता है एक ऐसा बनारसी कपड़ा, रेशम का बनारसी कपड़ा जिसपे लाल नीले और हरे माफ़ करिएगा लाल पीले और हरे उस पर पट्टियाँ पड़ी होती हैं, उसको असवारी कहते हैं, मतलब माँ जो है वही कपड़े पहने हुए हैं। आगे लिखते हैं यहाँ पर रासव खर वैशाख सुनंदा, देखिए रासभ भी गधा कहते हैं, खर भी गधा होता है, वैशाख भी गधा होता है, तो कहते हैं कि रासभ खर वैशाख सुनंदा, तो कहते हैं कि जो गधा है वो भी बड़ा बड़ा आनंदित हो जाता है। क्यों आनंदित हो जाता है, आगे लिखा है कि गर्दक दुर्वाकंद निकंदन, दुर्वाकंद मतलब बैठकर, तो माँ जो है गधे माँ की सवारी गधा है तो माँ गधे पर बैठ के निकंदन मतलब लोगों की परेशानियों का अंत करती हैं। और सुमिरत संग शीतला माई, और आप सुमरिए, सुमरिए मतलब आप माँ की याद करिए, आप पूजा करिए, ध्यान करिए, जाही सकल दुख दूर पर आई, और जैसे ही आप ये करेंगे तो सकल मतलब पूरा दुख जो है दूर पर आई मतलब दूर आपसे हो जाएगा। गलका गलगांडादी जूही, आपको चाहे गलका लगा गलका मतलब बीमारी हुई हो, चाहे आपको गलकंडा बीमारी हुई हो, और ताकर मंत्र ना और औषधि कोई, और उसके लिए ख़त्म करने के लिए ना कोई मंत्र है और ना तो कोई औषधि है,
एक बस एक मातू जी की आराधना, सिर्फ मातू जी की आराधना ही बची है और नहीं है कोई साधन, और कोई साधन नहीं है। आगे लिखते हैं कि निश्चय मातू शरण जो आवे, कहते हैं मतलब इतना विश्वास है रचयिता को कि निश्चय मातू शरण जो आवे, जो भी आपके शरण में आएगा और निर्भय मन इच्छित फल वावे, वो एक तो वह निर्भय होगा, कोई भय लगेगा नहीं उसको, और हमेशा उसको इच्छा अनुसार माँ आप उसको फल देंगी, जो इसकी इच्छा होगी वही माँ आप पूरा करेंगी। कोढ़ी निर्मल काया धरो, और माँ की ऐसी प्रताप है कि अगर कोढ़ी पूजा करेगा तो उसकी काया निर्मल हो जाएगी। और अंधा दृघ निज दृष्टि निहारे, और अंधा होगा दृघ मतलब आँख से, तो आँख से अपनी दृष्टि इसके बाद दृष्टि आ जाएगी और आँख से वो सब कुछ देख सकेगा। फिर कहते हैं कि बंध्या नारी पुत्र को पावे, और बंध्या मतलब होता है कि ऐसी नारी जिसको कोई बच्चे नहीं होते हैं, अगर वो पूजा करती है माँ की तो उसको पुत्र होंगे। और जन्म दरिद्र धनी हो जावे, और जो 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 दरिद्र है जन्म का वो भी धनी हो जाएगा। और मातु शीतला के गुण गावत, और अगर मातु शीतला के वह सब गुण गाते हैं तो लखा मूक को छंद बनावत, तो लखा मतलब तो देखिएगा आप, लखा मतलब तो आप देखिएगा, जो मूक है मतलब गूंगा है, तो वो भी छंद बनाएगा मतलब वो भी बोलने लगेगा। आगे कहते हैं कि कि यामे कोई करे जन शंका, यामे मतलब इसमें, इसमें अगर कोई भी शंका करता है तो जग में मैया का ही डंका, तो शंका मत करो क्योंकि जग में माँ का ही डंका है। और कहते हैं कि भनत ओम प्रभुदासा, कहते हैं कि मैं भज रहा हूँ ओम प्रभुदासा, और तो इनका नाम है शायद रचयिता का, और तट प्रयाग से पूरब पासा, कहते हैं प्रयागराज जो है उससे पूरब की ओर ही रहते हैं। और पुरी तिवारी मोर निवासा, और जो तिवारी और पुरी तिवारी कोई जगह है जहाँ पर ये निवास करते हैं, और ककरा गंगा तट दुर्वासा, और जहाँ वह ककरा घाट है वहीं पर ये रहते हैं। अब विलम्ब में तो ही पुकारत, कहते हैं अब विलम्ब मतलब परेशानी मैया मैं आपको ही पुकारूंगा, माता कृपा को बाट निहारत, और माता कृपा करो बाट मतलब मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, बाट मतलब इंतजार करना, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ माँ। और पड़ा छर तब आस लग रही, छरा मतलब हे मैया, पड़ा मतलब छर मतलब छर परेशानी, हे मैया मुझे परेशानी पड़ गई है, मैं आस लगाता हूँ आप पे, आइए माँ और दूर करिए। और रक्षा कर तू शीतलो माई, हे रक्षा करो शीतल माई। तो देखिए हमने आपको आज बताया एक एक शब्द का अर्थ, शीतला चालसा का ये भी बताया शीतला माँ कौन है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप जो भी चालसा पढ़िए और उसका अर्थ अगर जानकर पढ़ेंगे या समझ के पढ़ेंगे तो उसका ज़्यादा महत्व होता है, जब माँ की ज़्यादा कृपा होती है या प्रभु की ज़्यादा कृपा होती है। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय शीतला मैया की जय, जय श्री राम प्रभु।